press the bell icon on the YouTube and never miss another update. Execution 23, sec theta plus 1, sec theta minus 1 का अनरूट है और इसका ये आंसर लाना है 4 theta plus cosec theta. तो इसके लिए रेशनलाइज करेंगे, जैसे अपने 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का जो स्क्वायर रूट था उसको क्वेश्चन को किया था वैसे इसको करेंगे. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट. अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, इसको या कोस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो आप, या आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका रेशनलाइज करो. तो sec थीटा माइनस 1 है तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा sec थीटा प्लस 1 से. तो इसका जो कंजुगेट है वो यहाँ अपॉन में नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव लेना होगा. तो ये अनरूट हमने को रिमूव करना है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec थीटा प्लस 1 का स्क्वायर रूट. इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई अनरूट से ही होगा तो इसको आप अनरूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. sec थीटा माइनस 1 है तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, sec थीटा प्लस 1 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पे आप कॉमन स्क्वायर रूट भी लगा सकते हो, अदरवाइज अलग अलग दोनों पे स्क्वायर रूट लगा के कर सकते हो. तो ये दोनों सेम है तो इसको कैंसिल होने के बाद यानी अपन मल्टीप्लाई वो 1 से कर रहे हैं. अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में है वो दोनों सेम है, sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा प्लस 1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके होल स्क्वायर हो जाएगा. sec थीटा प्लस 1 का ये हो गया होल स्क्वायर और अपॉन में यहाँ a माइनस बी का मल्टीप्लाई a प्लस बी से होगा तो ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली. तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1. अब जो डिनोमिनेटर है यहां पे ये आइडेंटिटी सेकंड जो थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा. तो sec स्क्वायर थीटा में से अगर 1 माइनस होता है तो अपने पास यहाँ क्या बचता है tan स्क्वायर थीटा. तो tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो ये आइडेंटिटीज अपने डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे. तो अनरूट में न्यूमिनेटर वाला सेम लिखोगे sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा लिख दिया. अब दोनों पे स्क्वायर है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है तो ये स्क्वायर रूट क्या करेगा दोनों स्क्वायर को रिमूव कर देगा. तो ये आ जाएगा आंसर sec थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा. अब आंसर अपने को लाना है cot थीटा प्लस cosec थीटा. तो आप यहाँ पे इस tan थीटा को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि ये a प्लस बी अपॉन सी का फॉर्म है. तो इसको लिख देंगे sec थीटा अपॉन tan थीटा और प्लस 1 अपॉन tan थीटा. अब sec और tan इन दोनों से अपने को देखो 1 अपॉन tan तो ये cot आ जाएगा, cosec बनाना है तो cosec इससे बनेगा तो इसके लिए इसको आपको sin cos में चेंज करना पड़ेगा. तो sec थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा को लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा. अब आगे प्लस 1 अपॉन tan तो हो गया cot थीटा. अब ये cos से cos कैंसिल हो गया तो अपने पास बचेगा 1 अपॉन sin. 1 अपॉन sin क्या होता है cosec थीटा प्लस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 24, तो इस ये लेफ्ट हैंड साइड और इसका आंसर लाना है sin स्क्वायर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर. तो इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथ है इसलिए मैं यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसी को मान करके आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ. तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा है तो आंसर sin और cos के अंदर आ रहा है तो आप को इस ब्रैकेट को साइन कोस में चेंज करना होगा. इधर ये साइन कोस में है और ये सेक है ये कोस में कन्वर्ट होता है और कोसेक का वो साइन में होता है. तो यहाँ पर अपने ये इनको सबसे पहले तो चेंज करेंगे एक दूसरे के इनवर्स के अंदर. तो ये न्यूमरेटर के अंदर 1 प्लस
व्हाट को लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन को लिखते हैं साइन अपॉन कोस थीटा, मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अपॉन में सेक होता है वन अपॉन कोस, तो ये इसकी क्यूब हो गया, माइनस कोसेक होता है वन अपॉन साइन, तो इसके ऊपर ये क्यूब। अब न्यूमरेटर के अंदर इस फर्स्ट ब्रैकेट है इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम साइन मल्टीप्लाई कोस आएगा, और जो डिनोमिनेटर में है इसका एलसीएम लेंगे तो साइन क्यूब मल्टीप्लाई कोस क्यूब आएगा। तो न्यूमरेटर के अंदर इस फर्स्ट ब्रैकेट है इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा आएगा। अब वन का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये साइन इंटू कोस ही आएगा एज इट इज, तो इसको लिख देंगे वन से मल्टीप्लाई करने पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, आगे प्लस साइन का इसमें डिवाइड करेंगे साइन कैंसिल होगा कोस बचेगा, कोस का मल्टीप्लाई कोस से होने पर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कोस का इसमें डिवाइड करेंगे कोस कैंसिल हो जाएगा साइन बचेगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन से होने पर ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट का हो गया। आगे जो मल्टीप्लाई में है वो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब थीटा आएगा। अब न्यूमरेटर के अंदर ये यहाँ पे आइडेंटिटीज बन रही है ए साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर, तो इसके इक्वल है वन होता है, इसकी जगह वन लिख देंगे। अब कोस क्यूब का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कोस क्यूब कैंसिल हो जाएगा बचेगा साइन क्यूब का वन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब का डिवाइड करेंगे तो बचेगा कोस क्यूब का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे ये जो अपॉन में इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे इसके, और यहाँ इसकी जगह लिख देंगे वन, तो इसको ऐसे लिख देंगे ये वन प्लस ये हो गया साइन मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये ब्रैकेट का आंसर हो गया अपॉन में साइन इंटू में कोस और मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगेन ये जो डिनोमिनेटर में है इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये न्यूमरेटर में तो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाई कोस क्यूब थीटा, और इसके अपॉन में आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे जो साइन मल्टीप्लाई कोस है इसकी एक एक पावर है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर इसकी जो थ्री पावर है तो ये थ्री कैंसिल होने पर अपने पास यहाँ साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर बच जाएगा, और वन प्लस साइन इंटू कोस इसका मल्टीप्लाई साइन माइनस कोस ही होगा, और इधर अपने पास ये साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर होगा। तो न्यूमरेटर में अपने पास रिमेनिंग पार्ट बच गया वन प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब थीटा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका ये फॉर्मूला लगा देता हूँ आइडेंटिटी जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि अपने पास एन सी का थोड़ी कम है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, तो ये आइडेंटिटीज यहां पे अप्लाई करेंगे तो ए की जगह साइन है तो ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वेयर तो साइन स्क्वेयर बी स्क्वेयर तो कोस स्क्वेयर, और प्लस का ए बी तो साइन इंटू में कोस थीटा। अब यहां जो न्यूमरेटर में था वो साइन माइनस कोस था, तो ये साइन माइनस कोस यहां पर भी साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में अपने पास बचा वन प्लस साइन इंटू कोस मल्टीप्लाई साइन इंटू में कोस अपॉन में, यहां पे ये साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर आइडेंटिटीज बन गई, तो ये हो गया वन प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये दोनों पार्ट सेम है तो ये कैंसिल हो गए, अब रिमाइनिंग पार्ट जो बचा है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, तो ये आंसर लाना था इसका ये आरएचएस।
ये हैंड स्प्लिट, तो इस तरह करेंगे अपन 24 को, तो आपको इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25, तो 25 में ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड में, जैसे एग्जाम में आते हैं तो इन दोनों में से एक आपको आंसर लेकर आना चाहिए। ये एग्जाम में पूछे जाए ये पूछे, एक पूछेगा दोनों नहीं पूछेगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है इसी को लेकर के इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। आपको एग्जाम में ये पहले पूरा लिखना है, तो अपने पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए इसी को यूज करते हुए अपने करेंगे। तो ये दोनों जब प्लस में है तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो लेना पड़ेगा, एलसीएम लेकर इनको अपन ऐड करेंगे। तो जो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों डिफरेंट है इसके डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम में इनका दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये इसका एलसीएम आ गया। अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये प्लस वाला। अब प्लस वाला ये इस प्लस वाले से साइन थीटा प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसका मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा से होगा, तो अगेन साइन थीटा माइनस कोस थीटा का यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, तो ये तीनों आइडेंटिटीज लग रही है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और लास्ट जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो अपने पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी है, तो इसकी जगह अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। तो न्यूमरेटर के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फर्स्ट ब्रैकेट का सॉल्यूशन हो गया। आगे प्लस सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, अब अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया डिनोमिनेटर में, ये हो गया न्यूमरेटर में। अब यहां देखो ये जो 2ab है ये प्लस का है और ये 2ab है ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये आइडेंटिटीज है, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, इधर ये आइडेंटिटीज है तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में ये हो गया 1 प्लस 1 और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 और 1 में लिखा हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आंसर में ये दो आंसर है, एक बार इसको साइन में आंसर आ रहा है, एक आ रहा है इसका कोस में आंसर, तो ये जो फर्स्ट आइडेंटिटीज थी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये आइडेंटिटीज लगेगी, तो इसकी ये जो दो पार्ट मैंने यहाँ बनाए हैं ये दोनों लगेंगे, क्योंकि एक बार तो इसको आंसर है वो कोस में आना चाहिए, एक बार साइन में आना चाहिए, तो इसी से ये दोनों आंसर बने। जब एग्जाम में ये पहली बार आता है तो ये है कोस स्क्वायर में, तो कोस स्क्वायर में आंसर लाना है तो ये साइन स्क्वायर है, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो 2 अपॉन ये साइन स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, और आगे माइनस ये कोस स्क्वायर और है, तो ये 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया ये आरएचएस। अगर एग्जाम में ये वाला पूछे तो इसमें आंसर है वो साइन स्क्वायर में आ रहा है, तो इसी से आगे अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे, इससे या तो ये पूछ सकता है या ये दूसरे वाला जो पूछे, तो इसको सॉल्यूशन ये साइन स्क्वायर में आंसर आ रहा है तो इसी से साइन स्क्वायर में बनाना है, तो ये पहला तो साइन स्क्वायर है और इस कोस स्क्वायर को आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो कोस स्क्वायर होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो ये 2 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे जो कोस स्क्वायर है ये इससे पहले माइनस है, तो इसलिए इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 2 अपॉन ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलकर जाएगा
टू साइन स्क्वायर थीटा और माइनस वन, तो ये राइट हैंड साइड, ये हैंड प्रूफ। तो एग्जाम में या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा।